Hello, I am Assalamu alaikum students. It's me Vikram Kumar from Shine High Secondary School, Kasamabad, Hyderabad. So, जी students, हम mathematics समझते आ रहे हैं. तो समझ रहे हैं continue है. Mathematics को continue रखने चाहते हैं. Mathematics continue रखना चाहते हैं. रखना चाहते हैं ना, क्योंकि mathematics समझनी है, सीखनी है. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में. क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे, वो आपके सामने स्क्रीन पे प्रॉब्लम लिखा हुआ है. एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 15 को समझिए. आपके सामने एक इंटीग्रल प्रॉब्लम लिखा हुआ, ठीक. तो आइए समझते हैं, कंसंट्रेशन से रहिएगा, समझने की कोशिश करें ताकि समझ में आ जाए, ठीक है. तो आइए समझते हैं, गौर से समझिएगा, कंसंट्रेशन से, ताकि हर चीज समझ में आ जाए, कोई चीज स्किप ना हो. अब देखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन है. पहले जो क्वेश्चन गिवन में यहां पर लिखूंगा डी एक्स, ठीक. अब फ्रैक्शनल टर्म में इंटीग्रेट करना है, तो क्वेश्चन इंटीग्रेट करने से पहले पर क्वेश्चन को आप समझिए, देखिए किस फॉर्म में गिवन है, इंटीग्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा. नहीं हो रहा तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम कैसे उसको सॉल्व करें. कोई भी स्टेप परफॉर्म करने से पहले आगे स्टेप सोचिए. तो अगर ये मैं चीज करना चाह रहा हूं या कर रहा हूं तो आगे क्या होगा, सही है, ये चीज है. अब एक इंटीग्रेट नहीं हो सकता क्योंकि फ्रैक्शन में चल रहा है. चलो तो डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में 3x^3/4 कोफिशिएंट वेरिएबल, सिंपल एक वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में सिंगल वेरिएबल है, तो बहुत ही आसान हो गया. जैसे प्रीवियस क्लास प्रॉब्लम हमने समझा था 14 में, डिनोमिनेटर दो टर्म्स प्लस हो रहे थे, वेरिएबल वाले प्लस नहीं कर सकते थे, समझिए संख्या. अब यहां पर सिंगल वेरिएबल है तो इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, सिंगल वेरिएबल है तो आसान है. मगर अपॉन 3 एज ए कोफिशिएंट, उस कोफिशिएंट को बाहर ले गए, मतलब अपॉन 3 x स्क्वायर 3x स्क्वायर रूट में प्लस 4 3 जो होल डिवाइडेड बाय इस कोफिशिएंट बाय x पर 3/4 मल्टीप्लाई चला जाएगा, 3/4 sin माइनस की होगी, डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई में, या sin नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हुई, ये चीज समझ में आई. फ्रैक्शन रिमूव हुआ, सिंगल वेरिएबल है तो कितना आसान हो गया, सही है. अब आगे देखते चलिए, मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म के साथ, पहले x पर 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ ये टर्म, तो मींस x स्क्वायर * x पर -3/4 sin लिखा प्लस साइन, सेम ये टर्म मल्टीप्लाई होगा सेकंड टर्म के साथ, 3 है x स्क्वायर रूट स्क्वायर मींस 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 ठीक, प्लस साइन. अब ये टर्म sin 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा मींस 4 x पावर -3 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट ओवर एंड dx. ओके बच्चों समझ में आई बात, हर टर्म के साथ जस्ट लिखा है मल्टीप्लाई. अब देखते जाइए आगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, बेस्ट साइन है, वन साइन लिखकर पावर प्लस करेंगे, 2-3 डिवाइडेड बाय 4 बेस्ट साइन है, वन साइन लिखे पावर आपस में प्लस करेंगे, तो आपके सामने ये मौजूद प्लस 3, यहां पर भी साइन ये प्रोसेस, मल्टीप्लाई करें बेस्ट साइन है तो पावर आपस में प्लस करेंगे, प्लस 4x^-3/4 साइन है क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल है. ओके बच्चों क्लियर है, अब देखिए 1/3 x पावर में नंबर 2 -3/4 फ्रैक्शन में हमें माइनस हो रहा है एलसीएम लेंगे, तो हमें डायरेक्ट यहां पर एलसीएम लिखूंगा, मगर 2 -3/4 की जो एलसीएम कैसे होगी वो वहां पर समझते हैं. डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में हमें डिनोमिनेटर इसके अपन कुछ नहीं है, 1/4 एलसीएम होगी 4, 2 अपन में कुछ भी नहीं है, एलसीएम वाला नंबर sin 4 मल्टीप्लाई में आएगा -3, अपन जो नंबर है वो sin का एलसीएम है तो 3 समेत है, सही. 2 4 8 -3 डिवाइडेड बाय 4 8-3 इज 5 डिवाइडेड बाय 4 तो ये एलसीएम समझी आई बात समझ में, माने इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 4 लिखेंगे प्लस 3 1/2 -3/4 ये भी एलसीएम होगी 1/2 -3/4 तो ऐसे मामला भी समझते हैं साइड पे समझनी है. डिनोमिनेटर दोनों में मौजूद है 2 और 4 की एलसीएम होगी 4 कैसे करेंगे 2 और 4 के एलसीएम लेने के लिए 2 का टेबल 1 टाइम 4 को 2 टाइम अगेन 2 का टेबल 1 टाइम तो फैक्टर 2 टू द 4 एलसीएम
वन मल्टीप्लाई करेंगे, अपान में वन की क्या है टू, एलसीएम में क्या है फोर, फोर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, टू का डबल फोर को कितनी बार लगेगा टू बार, वो टू उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा माइनस थ्री सेवन, क्योंकि थ्री के अपान में नंबर है वो एलसीएम है। ओके बच्चों ठीक है, वन टू सा टू माइनस थ्री डिवाइडेड बाय फोर, टू माइनस थ्री मीन्स माइनस वन डिवाइडेड बाय फोर, माइनस वन क्यों, बड़ा नंबर नेगेटिव साइन के साथ आया तो साइन हमेशा बड़े नंबर की लिखेंगे, आपके सामने है सही है ठीक। तो माइनस वन अपॉन फोर एक्स के पावर में प्लस फोर एक्स पावर माइनस थ्री अपॉन फोर, ये सेम है एंड डी एक्स ठीक, क्लियर है यहां तक, एलसीएम हुई कैसे एलसीएम की वो आपके सामने वापस समझिए। अब ये डिफरेंट टर्म्स है सेपरेटली इंडिकेट करेंगे, कोफिशिएंट वन अपॉन थ्री सबके साथ आएगा, ये चीज ध्यान रखनी है, एक्स पावर फाइव अपॉन फोर को इंडिकेट करेंगे डी एक्स के साथ, वन अपॉन थ्री इंटू ये थ्री इसका कोफिशिएंट बाहर निकालेंगे, वन अपॉन फोर डी एक्स के साथ इंडिकेट करेंगे, वन अपॉन थ्री इंटू फोर कोफिशिएंट बाहर निकालेंगे, माइनस थ्री अपॉन फोर प्लस इंडिकेट करेंगे डी एक्स के साथ, सही तीनों टर्म की सेपरेटली इंटीग्रेशन थी, वन अपॉन थ्री कोफिशिएंट हर टर्म के साथ है, सही है बच्चों क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आइए समझते हैं वो नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप मैं साइड पे बोल रहा हूं, ये एलसीएम समझी तो उसको इरेज कर रहा हूं, अब कैसे इंटीग्रेट होगा कैसे सॉल्व होगा, सेम वही प्रोसेस जो इंटीग्रेशन में हम समझते आ रहे हैं, फिर भी गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। वन अपॉन थ्री अब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स पे पावर जो फाइव अपॉन फोर है उसमें वन प्लस करेंगे, जो भी पावर ऐसा है वैसे वही पावर डिवाइड में लिखेंगे सही, प्लस ये थ्री थ्री में डिवाइड होगा कैसे होगा, एक्स पावर माइनस वन अपॉन फोर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स पावर माइनस वन अपॉन फोर में वन प्लस करेंगे सेम वही डिवाइड में आएगा जो पावर ठीक। वन अपॉन थ्री इंटू फोर मीन वन फोर का फोर अपॉन थ्री, एक्स पे जो पावर माइनस थ्री अपॉन फोर इंटीग्रेट करेंगे तो पावर माइनस थ्री अपॉन फोर में वन प्लस सेम माइनस थ्री अपॉन फोर पावर में है सेम लिखेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके बच्चों चीज समझ में आई, इंटीग्रेशन मीन्स पावर में वन प्लस किया जो भी पावर में बना वही डिवाइड लेगा ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए क्या हो रहा है, वन डिवाइड बाय थ्री एक्स के पावर फाइव अपॉन फोर प्लस वन फ्रैक्शन में नंबर प्लस हो रहा है, फाइव अपॉन फोर में वन प्लस करेंगे तो एलसीएम नंबर अपॉन कुछ भी नहीं तो वन है, फोर एंड वन की एलसीएम फोर होगी, फाइव अपॉन जो नंबर है एलसीएम तो फाइव में सेम प्लस वन अपॉन में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो एलसीएम उसकी यहां पर समझते हैं ठीक है। फाइव प्लस वन फोर जा फोर डिवाइडेड बाय फोर, 5 प्लस 4 मीन्स 9 डिवाइडेड बाय 4। आई बस मत भी इसके ऊपर जो नंबर फ्रैक्शन में है प्लस और उसको एलसीएम लेकर प्लस करेंगे, एलसीएम लेने के बाद आंसर मिला 9 अपॉन 4 सही है, तो डायरेक्ट 9 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 9 अपॉन 4 क्योंकि सेम वही प्लस x पावर माइनस 1 अपॉन प्लस 4 चलो उसको भी एलसीएम लेंगे प्लस 1 करेंगे डिनोमिनेटर 4 इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मींस 1 एलसीएम होगी 4 माइनस 1 अपान में जो नंबर है सेम एलसीएम में तो सेम न्यूमरेटर प्लस 1 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो मींस 1 के अपान में कुछ भी नहीं है सही है। माइनस 1 प्लस 1 4 जा 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 प्लस 4 दोनों की साइन चेंज है 4 में 1 माइनस करके बाकी आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 कुछ है भी नहीं तो क्या क्योंकि वन है डिनोमिनेटर 4 यहां पर डिनोमिनेटर 1 4 एंड 1 के से 4 माइनस 3 फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर तो फर्स्ट टर्म के अपान में जो नंबर है वही
एलसीएम में मौजूद है, न्यूमरेटर में रिमेंस है प्लस 1, के अपान में कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम में जो नंबर है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस 3 प्लस 1 4 जा 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक, माइनस 3 4 प्लस 1, दोनों की साइन चेंज है, माइनस करेंगे 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 4 7, सही है, ये हुई एलसीएम। अब इसका जो आंसर मिला 1 अपॉन 4, अपॉन में 1 अपॉन 4 प्लस c, आई बात समझ में, फ्रैक्शन टर्म में जो एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम थी वो एलसीएम 5 के समझी, तो यहां पर एलसीएम यहां पर भी कर सकते थे, मजीद 3-4 स्टेप्स बढ़ाने से अच्छा है इनकी एलसीएम ली गई जो आपके सामने मौजूद है, ठीक है। सो अब देखें 1 डिवाइडेड बाय 3, अब x से 7 जो नंबर है डिवाइड में वो खुद फ्रैक्शन में मौजूद है, तो मल्टीप्लाई चेंज करेंगे ये हो जाएगा 4 अपॉन 9 रेसिप्रोकल हो गया पावर में 9 बाय 4 से, यहां पर भी सेम 3 अपॉन 4 रेसिप्रोकल 3 अपॉन 4 अपॉन 3 हो गया, x पे पावर 3 अपॉन 4 सेम है 4 अपॉन 3, यहां पर डिवाइड में नंबर है 4 1 अपॉन 4 मींस हो जाएगा 1 4 अपॉन 1 x पावर 1 अपॉन 4 प्लस c, सही, फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए नंबर को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे रेसिप्रोकल हो गया आपके सामने, अब 1 4 का 4 मल्टीप्लाई में अपॉन में 3 9 जा 27 x पे पावर 4 अपॉन 9 प्लस ये 4 अपॉन 3 7 है x पे पावर 3 अपॉन 4 प्लस 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 3 x पे पावर 1 अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ओके बच्चों I must not be, ये फाइनली आंसर, ठीक है, क्लियर है, तो सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप देखिए कैसे समझाए, कैसे सॉल्व किया, तो प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली आपको जहन में आएगा, डिनोमिनेटर सिंगल वेरिएबल है तो उसको आपने न्यूमरेटर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई किया देन सेपरेटली इंटीग्रेट किया, फ्रैक्शन में टर्म थे तो फ्रैक्शन में टर्म थे उनको एलसीएम लेनी थी एज ए साइड में समझी अगर भी सेपरेटली वहां पर भी डायरेक्ट कर सकते थे उस प्रॉब्लम के साथ मगर वो हर वो लेंथी हो जाता है इसलिए सही है साइन पे एलसीएम नहीं जो भी आंसर आए के साथ मौजूद हो गया, ओके बच्चों क्लियर है, ठीक प्रैक्टिस करेंगे एंड समझ में नहीं आ रहा वीडियो के फॉर्म में लेक्चर है अगेन आप चेक कर समझिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो के नीचे आप कमेंट्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं आपको आंसर मिलेगा, सही है बच्चों, तो फाइनली आप लोगों को फर्स्ट बनता है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझें सीखें एंड कंप्लीट कर सकें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।